नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवा पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं इतिहास की एक और कड़ी। ये उन दिनों की बात है दोस्तों, जब बूंदी के अंदर राजा राम सिंह प्रथम का शासन हुआ करता था और उस समय का एक किस्सा बड़ा प्रचलित है। लोक कथाओं के अंदर और राजस्थानी साहित्य ऐतिहासिक साहित्य के अंदर कहा जाता है कि बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण से उनकी रानियां बड़ी परेशान थी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो उनसे बड़ी नाराज़ थी, उनके आपसी संबंध ठीक नहीं थे। इसका क्या कारण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, राजा राम सिंह प्रथम आखेट के बड़े शौकीन राजा हुआ करते थे। वो एक दिन घोड़े के ऊपर सवार होकर के आखेट खेलने जा रहे थे, तभी पास की बिल्डिंग से निकल करके सूर्यमल मिश्रण, जो कि उनके दरबारी कवि, वो बाहर निकले और बाहर निकल करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज मेरे राजा जी घोड़े की टांगों के नीचे आकर मर जाए। जब ये प्रार्थना एक दिन रानी उनको गेट तक छोड़ने आई, रानी ने सुनी तो रानी को लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा, कल सुनती हूँ। अगली बार जब राजा फिर से आखेट के ऊपर निकले तो रानी ने उनकी ये बात सुनी तो रानी असमंजस में पड़ गई कि उनका दरबारी कवि अपने मालिक राजा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है कि घोड़े की टांगों के बीच में आकर मर जाना। रानी ने सूर्यमल मिश्रण से तो कुछ नहीं बोला, सीधी अपने महल में चली गई। लेकिन जब राजा जी आखेट खेलकर वापस आए तो राजा जी को बोला कि ये कौन आदमी है जो आपके बारे में इतना गंदा सोचता है। तब उन्होंने कहा कि ये हमारे दरबारी कवि हैं, हमारे अजीज मित्र हैं। कहा, ऐसा मित्र किसी को न दे भगवान, क्योंकि वो आपके बारे में क्या सोचता है ये मैंने सुना। बोले वो तो बोले ऐसी प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज मेरे मालिक घोड़े की टांगों के बीच में आके मर जाए। फिर राजा राम सिंह जी ने अपनी रानी को समझाया कि इसका मतलब ये नहीं होता कि घोड़े की टांगों के बीच में आके मर जाना, उसका मतलब है कि हे भगवान, मेरे मालिक घोड़े की टांगों के नीचे आकर मरने का मतलब ये है कि घोड़े के ऊपर बैठे बैठे नीचे गिरे और वीरगति को प्राप्त हो जाए। उनका मतलब युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने से था, तो वो उनकी बात को समझ नहीं पाई। फिर राजा ने जब समझाया तो रानी को समझ में नहीं आया। रानी ने बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस चीज़ को लेकर के हमेशा बूंदी की महारानी राजा राम सिंह प्रथम की रानी और सूर्यमल मिश्रण के बीच में अनबन रहा करती थी। और इसी को लेकर के फिर सूर्यमल मिश्रण ने बाद में कई दोहों से, कई उक्तियों से, अपनी पंक्तियों से भावार्थ को समझाया रानियों को, तब जाकर के बात बनी। लेकिन ये राजस्थान के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से दरबारी कवि थे जिनका बूंदी महाराजा की रानी से आपसी संबंध ठीक नहीं थे, या वो उनका महारानी दरबारी कवि को पसंद नहीं किया करती थी। तो दोस्तों, ऐसे थे सूर्यमल मिश्रण, उनके बारे में कहा हर किसी को समझ में नहीं आता, बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे वो उस ज़माने के। इसलिए एक ऐसे भी कवि हुए थे जो अपने राजा के लिए वीरगति की कामना करते थे और रानी उसको गलत समझ बैठी। इसलिए दोस्तों, उनके बीच में कभी भी संबंध मधुर नहीं रहे और इस बात को लेकर उनमें असमंजस हमेशा के लिए बना रहा। इतिहास की अगली कड़ी में हम फिर आपके सामने कोई छोटा किस्सा, वाकया, बात पोस लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको इतिहास के ये छोटे मोटे किस्से आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।